द एजुकेशन एजुकेशन द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी एंड विलेजेस. वसुदेव सुतम देवम कंस चानूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णा वंदे जगद्गुरु महा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलं पिबेत् वदेद् वाचं वस्त्रपूतां सत्यपूतां वदेद् वाचं कंसचानूरमर्दनम. हजरात सामईन किराम और जनाब सदर जलसा मुअज्जज उलमाए किराम और करीब में तशरीफ फरमा हमारे परदानशी माँ और बहनों और हमारे नौजवान साथियों, इस वक्त तक आप लोग यहाँ पर बैठे बहुत बड़ी कुर्बानी आप दे रहे हैं अपनी नींद को कुर्बान करके. अभी तक बैठे ये इस बात की वाज़ह दलील है कि आपको अपने उलामा से, अपने मदरसों से, अपने मकातिब से, हर उस काम से जिसका ताल्लुक इस्लाम से हो, शरीयत से हो, या आप लोगों की अपने शरीयत के ताल्लुक मोहब्बत की बेपनाह वाज़े और रोशन दलील है. यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि हमें आज भी अपनी शरीयत से, अपने कुरान से, अहादीस रसूल से, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है. अगर कहीं पर कोई अल्लाह के नबी के शान में तौहीन आमेज कलिमात कोई बोलता है या कोई गुस्ताखी करता है या हमारे मसाजिद को या मकातिब को या उलामा को कहीं पर बुरा भला कहता है तो हमारा खून गर्म होता है और हम मैदान में उतरते हैं कि उस मुजरिम को सजा दी जाए और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर अपनी शरीयत में और अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका में हम अपने मज़हब की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते. मेरे भाइयों, बहुत अच्छी बात है. ये दर्द, ये तड़प, ये फिक्र होनी चाहिए मगर उसके साथ साथ हमारा रिश्ता अमली एतबार से अपनी शरीयत से क्या है और अपने धर्म से क्या है, हमें इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है. एक वाकया मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज जो दुर्गति, आज जो बेइज्जती, आज जो तौहीन इहानत हो रही, हकारत की निगाह से आप देखे जाते हैं, एक बहुत बड़े थिंकर्स, एक बहुत बड़े संत एक कॉन्फ्रेंस में
वो भी मदरू थे और हमारी भी शिरकत थी। उन्होंने इस कंडीशन में ही प्रोग्राम किया था कि हम प्रोग्राम में आएंगे। किसी मुसलमान ने मदरू किया था, हम आपके प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हों, मगर शर्त यह है कि बिहार की सरजमीन सीमांचल से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अब्दुल्ला को आप उस प्रोग्राम में शरीक करेंगे। शायद उनको कुछ पूछना रहा होगा या कोई और मकसद हो सकता था। उन्होंने ये कंडीशन लगाई, प्रोग्राम वाले ने रब्ता किया, हम उस प्रोग्राम में पहुंचे। हमारी स्पीच हुई, तकरीर हुई, उनकी बारी आई, उन्होंने भी तकरीर की। उन्होंने आखिर में पूछा, एक ऐसा सवाल किया जिसका सही जवाब मैं वाकईतन आज तक ढूंढ रहा हूं और अभी तक मुझे ढंग से उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। मैं वही सवाल आपके सामने आज रखता हूं। उन्होंने हमसे पूछा कि मौलाना एक बात बताइए, आपका ग्रंथ क्या है? आपका कुरान का पहला अक्षर जो आसमान से इस धरती पर आया, आप जानते हैं, बता सकते हैं? हमने कहा कि मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। सबसे पहली वही 610 ईस्वी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर उतारी गई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, हालात जो भी रहे हों, मगर अल्लाह के तरफ से जो मैसेज दिया जाता है वो पहला मैसेज था, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी इकरा। हमने कहा कि ये सूरह अलक 30वें पारे में है, इसकी कुछ आयतें शुरू की। सबसे पहली वही कहलाती है, सबसे पहला मैसेज और ईश्वर का संदेश माना जाता। उन्होंने कहा कि एक बोलिए इकरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकरा? हमने कहा कि इकरा इट इज अरबिक वर्ड एंड दैट मीन्स टू नो, दैट मीन्स स्टडी एंड रीड, दैट मीन्स कंसीडर। इसका मतलब पढ़िए, इकरा पढ़ो। द थिंग ऑफ इज, इसका मतलब जानकारी हासिल करो, तालीम हासिल करो। उन्होंने कहा कि सबसे पहला अक्षर और सबसे पहली आयत आपके अल्लाह के तरफ से, जो आप मोमिन के लिए, आप लोगों के लिए जो उतारी गई वो यही है कि इकरा पढ़ो। मगर मौलाना बताइए, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी किताबें हैं, शास्त्र हैं, कुरान से हैं, उपनिषद वगैरह वगैरह, कहीं पर भी ये बात पहले नहीं लिखी गई कि पढ़िए ईश्वर के नाम से, पढ़िए मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए। ऋग्वेद देखेंगे तो वहां पर ईश्वर की प्रशंसा उसकी तारीफ से शुरू की गई, अग्रणी मिले, सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। यह पहली ईश्वरीय संदेश है जो वेद व्यास जी के जरिए से इंसानों को दिया गया। महाभारत पढ़िए तो उसका पहले अध्याय का, पहले सूक्त का, पहले मंडल का कुछ और मतलब है। पांचवा वेद श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय पर जो मुश्तमिल महाभारत का एक हिस्सा है, उसमें भी जो पहला श्लोक, उसमें तो जंग की शुरुआत, धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय समवेता युवक युवत सवा, धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय
वहां पर भी पढ़ने की बात नहीं कही गई, ईश्वर की तारीफ नहीं की गई, बल्कि उसकी शुरुआत ही श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत उपदेश जानकारी जंग से है, बैटलफील्ड से है, कुरुक्षेत्र से है, हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र एंड रिसेंटली दैट इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र इन पंजाब। वो इलाका पंजाब पटियाला में पड़ता, वहां पर भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मौलाना जितनी भी हमारी शास्त्र है आप पढ़ लीजिए, कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि पढ़ो या समझो। एंड जस्ट कंसीडर अबाउट योर सेल्फ, कहीं पर भी नहीं कहा। एंड स्टार्ट एंड बिगिन विद द पीस नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, कहीं पर भी नहीं कहा गया। मगर खुश नसीब हैं आप लोग, आपके कलाम को, आखिरी संदेश को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। तो ये कहा पढ़ो, उसके जरिए से आने वाली कयामत तक के तमाम लोगों से, उम्मत के एक एक फर्द से ये बात कही गई कि अपनी जिंदगी के अंदर आपको शुरुआत अगर करनी है तब्दीली लाने की तो पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको तालीम हासिल करनी होगी, तभी आप आगे कदम बढ़ा सकते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा बुराई पाई जाती थी, उस बुराई का मुकाबला करना था। अरब लोग दिल के एतबार से, डिसीजन के एतबार से बड़े मजबूत हुआ करते थे। किसी ने पूछा कि मोहम्मद को सीमांचल में भेज देते, कटिहार में भेज देते, अररिया में भेज देते तो हम जर्रा बराबर भी तकलीफ नहीं देते, बल्कि उनके एक एक बातों को सर आंखों पर रखते और एक दिन में तकरीबन हजारों आदमी मुसलमान बनते, उनकी शरीयत पर ईमान लाते। तो किसी ने कहा कि बहुत आसान है, इसीलिए सीमांचल में नहीं भेजा, अरब में भेजा, डिसीजन के एतबार से, सोच के एतबार से, फैसले के एतबार से बहुत मजबूत हुआ करते हैं वो लोग, अरब के लोग, जो एक बार जुबान दे दी वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन कभी भी अपनी आस्था से, अपने डिसीजन से, अपने वादे से पीछे नहीं हटता। तो पता उस साहब ने कहा कि पता है सीमांचल में क्यों नहीं भेजा, पानी में लकीर खींचना आसान है कि पत्थर पे? उन्होंने कहा कि पानी में उंगली डालो, पकड़कर खींच दो, लकीर खींच जाएगा, लेकिन उस लकीर को कोई देख पाएगा? मेरे ख्याल से एक सेकंड भी उस लकीर का वजूद पानी में नहीं रह सकता। पत्थर पर लकीर खींचना इट इज अ वेरी हार्ड वर्क, यह बहुत ज्यादा दुश्वार है, लेकिन जब लकीर खींच जाएगा पत्थर पर तो उस लकीर को, पत्थर को तोड़े बगैर मिटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सेम यही चीज हमारे सीमांचल में मोहम्मद को नहीं भेजा, यहां पर भेजते फटाफट सुबह को भी 15,000 लोग ईमान लाते, शाम को भी ईमान लेकर आते, और अगले दिन पता चलता इलेक्शन का मौका आता, मुखिया जी आते पैसे की गड्डी लेके पहुंचते, तुम्हारा ईमान बेच लेते, तुम 24 घंटा अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाते। इसीलिए अल्लाह ने तुम्हारे सीमांचल में नहीं भेजा, अल्लाह ने दुनिया के किसी गोशे में नहीं भेजा, मोहम्मद को भेजा मदीनतुल मुकर्रमा में, मोहम्मद को भेजा उस नाभी में, संभल कराम नाभी द मिडिल ईस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द मिडल ऑफ द वर्ल्ड, द अर्थ, दुनिया के सबसे जो बीच का हिस्सा है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को वहां पर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको वहां पर पैदा किया। तो मोहम्मद अलैहि सलाम आए उन पत्थर दिल इंसानों में और अपने आदात और अखलाक के एतबार से हमाल या पहाड़ से भी बड़े डिसीजन लिया करते थे। उनके अंदर
जुरात बहादुरी थी, उनके अंदर शिर्किया काम होते थे, गुनाह के काम करते थे, लेकिन कुछ अच्छे भी काम उनमें पाए जाते थे जो पुरानी शरीयत के बदौलत उनमें मौजूद थी। वहां पर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को करना था तो बिना पढ़े लिखे नहीं कर सकते थे, बल्कि उत्बा से, शैबा से, वलीद से, हमजला से, मुगैरा से, अबू जहल से, अबू लहब से उनको मुनाजरा करना था, उनको अपने इस्लाम का प्रचार करना था उनके बीच में। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को डिग्री दी जाए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को कानून बताया जाए, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह को जानकारी के एतबार से उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसीलिए कहा कि पढ़ो, वरना शुरुआत में ये कह सकते थे डायरेक्ट कि अल्लाह की इबादत करो, डायरेक्ट कह सकते थे, अल्लाह कह सकता था कि मोहम्मद नमाज के बारे में बतलाओ, रोजे के बारे में बतलाओ, हज जकात के बारे में बतलाओ। नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने पहले कहा इक्रा बिस्मि रब्बिकल लजी, कि पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ना सिखाया, तालीम की बात कही गई, एजुकेशन की बात कही गई। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका यह प्रोग्राम तालीमी व तरबियती कॉन्फ्रेंस है और जरूरी इस टॉपिक के ऊपर बात करना और आज वक्त की भी ये जरूरत है। उसका क्या सवाल था कि मौलाना जिसका गरन, जिसका पहला लाइन अल्लाह की तरफ से पढ़ाई के ऊपर हो, इकरा पढ़ो, आज दुनिया के अंदर, इन द होल वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा पसमानदा और सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कोई कौम इन द एजुकेशन फील्ड, तालीमी एतबार से अगर कोई कौम है तो वो कौम आपकी कौम, मुसलमानों की कौम। उन्होंने हमसे पूछा कि जिसके ग्रंथ में यह बात कही गई है खरा पढ़ो, जगह जगह पर वाल्मीकि, दुनिया के सारे उलूम दिए गए किसको, हजरत आदम अलैहि सलातो वस्सलाम, वाल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। मेरे भाइयों, मेरे पास उनके इस सवाल का जवाब नहीं था, क्या बताता मैं उनको कि हाँ मुसलमान क्यों कमजोर है तालीम में, हाँ मुसलमान पढ़ते नहीं है, हाँ मुसलमानों के अंदर तालीमी इन्हितात है। 14 और 13 हिजरी के बाद सन 1800 और 1900 ईस्वी के बाद तालीमी मैदान अलग किए गए, मदरसों को अलग कर दिया गया, मकतब अलग कर दिए गए, यूनिवर्सिटीज अलग की गई, कॉलेजेस अलग किए गए, वरना एक एक छत में बैठकर एक छत के नीचे एक तरफ गज़ाली पैदा होते थे, अल्लामा इब्ने तैमिया पैदा होते थे, तो दूसरे तरफ अल बैरूनी जैसा फल्कियात का सबसे बड़ा साइंसदान भी पैदा होता था। सर पे टोपी थी, शक्ल में लंबी दाढ़ी थी अल बैरूनी की। एक ही छत पर बैठकर दो स्टूडेंट हैं, एक इमाम हदीस शेखुल हदीस बनते हैं और एक फलकियात का सबसे बड़ा साइंसदान बनता है। एक ही छत के अंदर बैठकर एक तरफ साइंटिस्ट तैयार होता था और एक तरफ अपनी शरीयत के उलूम के अंदर माहिर पैदा होते थे। ये तो बाद में अलग कर दिए गए कि टोपी वाले अलग, दाढ़ी वाले अलग पैदा होंगे और स्कॉलर्स, फिलॉसफर्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, ये अलग अलग होंगे। ये बाद में एक 1842 के अंदर एक मनहूस आया था, वो ब्रिटानिया से, इंग्लैंड से आया था हमारे इस भारत के अंदर, जिन्होंने ये थ्योरी पेश की कि नहीं, हिसाब की अलग तालीम होनी चाहिए, एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन इसको नाम दिया गया और कहा गया कि थिंकर्स, प्रोफेसर्स, टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब अलग अलग होने चाहिए, ये सब अलग किया गया। मुझे बताए, कोई बता सकता है कि डीएम का ओहदा, एसडीएम का ओहदा,
एसपी का ओहदा सबसे पहले किसने खास किया था? 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फतह करने वाली जाते अकदस खलीफा अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक ने सबसे पहले इस दुनिया के अंदर ब्लॉक का सिस्टम वजूद में लाया, जुडिशरी का सिस्टम वजूद में लाया, एसडीएम का कलेक्टर का ओहदा मुख्तस किया उन्होंने, एमएलए और एमपी का ओहदा मुख्तस किया उन्होंने। अल्फाज अलग थे उस वक्त के, लेकिन जब आप उन तमाम मेथड को एक्सचेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एट दिस टाइम अभी इन्वायरमेंटली, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी की सारी चीजें निकाली गई हजरत उमर फारूक की जिंदगी में, खिलाफत अब्बास के जमाने में, खिलाफत बनू उमैया के जमाने में, हर जमाने के अंदर में वजूद रहा। लेकिन आज हमने अलग अलग कर दिया। हमारे बच्चे जो मदरसों में कुछ पढ़ते हैं वो दुनिया के मैथ से, साइंटिस्ट से, एमबीबीएस से और कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज की तालीम से, लॉयर से, वकालत की तालीम से, जजेस की तालीमात से हमारे वो बच्चे रूशनास नहीं होते, वो बच्चे कमजोर होते। और भारत जैसे मुल्क में अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर पता है आप थोड़ी सी आवाज बुलंद करेंगे आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, आप थोड़ी सी भी हक को बुलंद करना चाहेंगे आपको चारों तरफ से ट्रॉल करके आपको परेशान कर दिया जाएगा। हम कल नॉमिनेशन में गए, 3-4 अपने पंचायत के अपने करीबी लोगों के नॉमिनेशन में, क्या दुआया मजलिस थी, हम पहुंचे, उन्होंने बुलाया कि मौलाना आइए थोड़ी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह हमको कामयाब करे। एक पंचायत में अगर 10 से 15 कैंडिडेट है तो हमने सबके लिए दुआ की कि अल्लाह आप सबके जायज मकासिद में कामयाबी दे, और मैं ये दुआ करूंगा कि जो बेहतर हो आप में कौम के लिए, समाज के लिए, अल्लाह उसका इंतखाब फरमाए। हम आए, एक साहब फोन करके कहता है, वो कॉल रिकॉर्ड मेरे पास अभी भी मौजूद है 7-8 मिनट का, वो कहता है कि मौलाना आप फला की बुराई क्यों कर रहे हैं, आप आपके पंचायत के फला नेता की बुराई क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि मैं दूसरी जगह की बात तो नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव का एक मैं नागरिक हूं, मैं उस गांव का एक वोटर हूं, वोट डालने का मुझे अधिकार है। पिछले 5 साल में हमने उनको वोट डाला, उनको जिताया था हमने, उन्होंने 5 साल तक क्या गलत किया और क्या सही किया, मुझे हक होता है एक वोटर की हैसियत से उनसे सवाल करने का। अगर उसने कोई गलत किया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अगर है तो उसको लोगों के सामने रखने का, इसलिए कि हमारे नबी का फरमान भी है, मन आमिन को मुनकरन फलयुगयिरहु बियदिही फइलम यस्तकीफ बिलिसानी फइलम यस्तकीफ बिकल्बी वज़ालिका ज़ाफुल ईमान। तुम बुराइयों को रोकने की कोशिश करो, अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोकने की कोशिश करो, अगर जुबान से रोकने की ताकत नहीं है तो कम से कम दिल से बुरा जानो। हमने कहा कि उनके 2500 पेज में, 2600 सफात में उनके 1,57,00,000 रुपए का घोटाला इस पेपर के अंदर है, और ये पेपर कोई फर्जी नहीं, ये हमारे ब्लॉक के वीडियो के ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर को वीडियो कहा जाता है, वीडियो ब्लॉक का सबसे बड़ा पदाधिकारी होता है, उस वीडियो के सामने हमने इन तमाम पेपर्स को वेरीफाई करवाया। अगर ये गलत है, एक तालाब को सही करने का पैसा 1,86,000 रुपए होता, 1,86,000 रुपए में आपने तालाब वाले को कितना पैसा दिया, आपने सिर्फ 15,000 रुपए दिए और बाकी पैसे कहाँ गए। उन्होंने कहा कि मौलाना 50% पैसा टीसी में चला जाता, पीसी में चला जाता, 50% चला गया, 1,86,000 में कितने बचे, 90,000 बचे, 90,000 में से कम आधा पैसा मिलना चाहिए उस तालाब वाले को, उस पीसीसी सड़क के अंदर जो आप बनाते, 3-3 मरतबा पैसा उठाते, ये गलत है कि नहीं। उन्होंने कहा गलत है। हमने कहा कि जब ये गलत है तो तुमने गलत किया क्यों, जब तुमने गलत किया है तो मुझे एज अ नागरिक, एज अ वोटर, मुझे उनसे सवाल करने का हक है, मुझे उनके खिलाफ कोर्ट में जाने का हक है। आवाम के साथ धोखाधड़ी देने पर उनके ऊपर 420 का कानूनी कार्रवाई करने का मेरे ऊपर हक और मेरा अधिकार है। वो कहोगे कि नहीं, तुम
दलाली करते हो, तुम फला की चापलूसी करते हो, पैसों पे बिक गए हो। हमने कहा ठोकरों पर रखता हूं पैसों को, इन नेताओं के नाजायज और हराम कमाई को अब्दुल्ला सालिम ठोकरों पर रखता है। करोड़ों रुपए मुझे नहीं खरीद पाई जब इलेक्शन का वक्त था, तो आज तुम्हारा ये मुखिया, आज तुम्हारा ये सरपंच मुझे पैसों की गड्डी देकर या तुम्हारी गीदर भप्पियों से मेरी जुबान को तुम बंद करना चाहते हो, मैं नहीं चुप रहूंगा। मैं उन्होंने कहा कि 100 लोगों के सामने क्यों बोलते, हमने कहा अब तो 100 लोगों के सामने बोलता था, लेकिन अब मैं 1000 लोगों के सामने में बोलूंगा, इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, अगर कोई बुराई देखते हो तो रोको, लोगों के सामने जाहिर करो। मेरे भाइयों, उसने गाली देनी शुरू कर दी। हमने कहा कि 2 गाली, कोई नहीं था, कौन था, एक वर्कर था, एक वर्कर उनका। ऐसी स्थिति हमारे समाज के बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, जहालत की वजह से करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं हमारे भाई लोग इलेक्शन में। पंचायत चुनाव आपके यहां हो गया, सियासत चुनाव अच्छे लीडर की इंतखाब के लिए, कौम के लिए, समाज के। ये घोटाला, ये गड़बड़ घोटाला किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ हुआ। हमारे तालाब को कहा गया कि साफ सफाई करके आपको खर्चा मिलेगा, हमने कहा कि ठीक है 20,000 रुपए दे, खर्चा होगा, बात की हमने। तालाब पहले से बना हुआ, उसको साफ सफाई करने के बाद उन्होंने कहा कि 20 तो नहीं मिलेगा हजरत, आपको 15,000 मिलेगा। अब्बा ने कहा कह करके, हमने सोचा कि आता ही होगा शायद इतना, 15,000 दे करके जनाब टोपी पहना दिया उन्होंने। उसके बाद जब पता चला आखिर में, तो 2600 पेज में पूरा का पूरा ब्यौरा हमने निकाला है वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के वेबसाइट से, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, पैरों तले से। वो दुकान है, ये स्टेज, पीसीसी सड़क का निर्माण, बीच में 4 आदमियों के घर पड़ते हैं, 4 या 5, एक इधर अब्दुल रहमान, एक तौहीद सलफी साहब का, एक अब्दुल्ला सालिम साहब का, एक सदर जलसा का घर पड़ता। तो फलां की दुकान से तौहीद सलफी साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण, पैसे 5 लाख निकाले। फिर उसके बाद आगे अब्दुल्ला सालिम के घर से अब्दुल रहमान साहब के घर तक पीसीसी सड़क का निर्माण 10 लाख रुपए, यानी एक ही सड़क में तकरीबन 3-3 पैसे उठाए। देखकर दिमाग मेरा वो, हमारे तालाब का हम जैसे लोगों के साथ गद्दारी, धोखा। खाओ तुमने खाया 50%, 50% तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलते। क्यों? पूछा गया, भैया ऐसा क्यों किया? बोला मौलाना 55 लाख रुपए हमने इलेक्शन में खर्चा किया, ये 55 लाख पहले जमा करूंगा तब मैं आगे कोई काम करूं। बताइए, वरना जितने पैसे बर्बाद होते हैं कौम खाम खा बेजा, 30-30 लाख, 50-50 लाख, 70-70 लाख रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन में, परमिशन इतनी नहीं है खर्च करने की। अगर उन्हीं पैसों को लेकर आप 70 लाख रुपए चुनाव में खर्च करते, अगर उन 70 लाख रुपयों को आप अपने पंचायत के विकास के काम में, गरीबों की बच्चों की शादी में लगा दें, गरीब बीमारों के इलाज में लगा दें, उनके लिए छोटे हॉस्पिटल खोल दें, उनके लिए 1-2 एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तो आपको पैसा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा लोगों को देकर वोट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाज के अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा, लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं जनाब, एक वोट को खरीदने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते और हम लोग को इतने बेईमान हो गए, ईमान हमारा पता नहीं कहाँ चला गया, कि हम लोग ले भी लेते। एक पंचायत में अगर 10 कैंडिडेट होता तो हम सबसे पैसा लेते। शरिया तबार से क्या पकाम, शरिया तबार से पैसे लेकर वोट देना नाजायज और हराम है, प्रोहिबिटेड, ये नाजायज है, ये आपके लिए जायज नहीं है। आप किसी एक को वोट कीजिए, बिना पैसों का कीजिए, आप देखिए कि आपका भला कौन कर सकता। लेकिन जैसे आपने पैसा लिया पंचायत चुनाव में मुखिया जी से, 15 कैंडिडेट है तो 1500 रुपए लिए आपने, वोट तो एक को डालोगे,
बाकी वो पैसा जो आपने लिए है 15-15 कैंडिडेट से, हजार हजार 500 रुपए, अगर आपने उन पैसों को अपने खर्च में घर में खर्च किया, अपने बच्चों को आपने गोश्त खिलाया, अपने बच्चों को आपने मांस मछली खिलाई, अपने बच्चों को आपने दूध पिलाने में इस्तेमाल किया, उस बच्चे के जिस्म के अंदर जो खून बनेगा वो खून नाजायज और हराम होगा, उसकी परवरिश नाजायज और हराम होगी। अहदीस मुबारका में ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुज़िय बिल हराम, आदमी जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी परवरिश की गई हो और जिसकी जिसकी जिसको खुराक दिया गया हो, जिसको हराम रिस्क दिया गया हो, वो इंसान कभी भी जन्नत नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, आप उन पैसों को लेकर अपनी फैमिली में खर्च करते हैं तो पता है वो जो खून बनता है आपकी फैमिली के बच्चों के अंदर, उनके रगों के अंदर, वो नाजायज और हराम होता है। इतने ईमान का सौदा ना करो, अपने ईमान को पैसों में मत बेचो। इलेक्शन का है जमाना, आएंगे आपको पैसे देने के लिए, लीजिए खर्चा, लीजिए पैसा, हमारी तारीफ कीजिए और हमको वोट दीजिए, जिताइए। हमारा बनेगा लीडर वो जो हमारे कौम के लिए, हमारे पंचायत के लिए बेहतर होगा। पहले करप्ट हम और आप बनते हैं, पहले पैसा लेकर घोटाला हम और आप करते हैं, तब जाकर कोई नेता करता है। ये बात बिल्कुल एक एक बात ला शक और ला रहे है। अगर मैं झूठ बोलता हूं, पिछले 5-6 साल से हमने यही देखा। एक साहब बोलते कि हमने 70 लाख रुपए बोरी में बंद करके रखा हो। हमने कहा क्या करोगे भाई, बोला कि इलेक्शन में खर्चा है। वो जीते ना जीते, एकदम सब फोड़ लगा दिए इलेक्शन में जीतने के लिए, पैसे पे पैसे बांट रहे करोड़ों रुपए एक पंचायत में। मेरे ख्याल से अगर 20-25 कैंडिडेट आ जाते हैं मुखिया में तो 5 करोड़ रुपए कहीं नहीं जाता, यूं खर्चा हो जाता। वही 5 करोड़ रुपए अगर मिला करके खर्चा कर देंगे तो मेरे ख्याल से कि वो पांचों लोगों को, उन मुखियाओं को लोग अपने सर पर बैठाए, इज्जत भी देंगे अलग से, सम्मान भी देंगे अलग से। एक मतलब आपसे पैसा लिया, आपने उनसे पैसा लिया, वृद्धा पेंशन आपका गया, आपका इंदिरा आवास आपका गया, आपका PCC सड़क का निर्माण का पैसा गया, शौचालय का पैसा वो गया, आपका टोटल पैसा आपका सब अचत हो जाता। फिर हम शिकायत क्या करते हैं, ये मुखिया तो बहुत खता, ये तो बहुत करप्शन करता, बहुत घोटाला करता। फिर हम बुराई करते, बुराई क्यों कर रहे भाई, पहले तो लेकर रखा आपने, वो जो 55 लाख 50 लाख खर्चे किया, पहले अकाउंट भरेगा ना वो? एक से पूछे बोला पहले अकाउंट भरूंगा मौलाना। हमने कहा उसके बाद तो अच्छा काम कर लोगे ना, बोला उसके बाद अच्छा, अभी तो पूंजी आया हमारा, पूंजी के बाद 2 साल और कमाई करूंगा, मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, आफ्टर दैट मैं तब कोई रिफॉर्म का काम करूंगा, कोई काम करूंगा। और 5 साल बीत जाता। हम और आप चाहें तो बुराइयों को खत्म कर सकते हैं अपने समाज से, ये जनता या आवाम चाहे तो बुराइयों को खत्म कर सकती है अपने सोसाइटी से, अपने माशरे से, लेकिन हम ही लोग क्या बन जाते हैं, हाँ हाँ मुखिया जी हर किसी के, हाँ सरपंच साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एकदम ये इलाका आपका है, उनसे भी ले लिए कुछ खर्चा, दूसरे से मिले, अरे आपकी चिंता की जरूरत है, आप सो जाइए, आप उधर मेहनत कीजिए, ये फैमिली का हमारा 100 वोट आपको जाएगा। अभी एक जगह पे पता नहीं ये बात आई है कि एक वार्ड है, बहुत छोटा सा वार्ड है, कैंडिडेट वार्ड सदस्य का इतना है कि उसमें वोटर उतना नहीं है, कैंडिडेट ज्यादा हो गया वार्ड सदस्य, वोटर कम हो गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये बुराई, ये तमाम चीजें कहां से आती है, इलिटरेसी जहालत से आती है, ये तमाम बुराइयां जहालत से आती है। हमें और आपको वो जो आदमी ने बोला, संत साहब बोले कि आपके कुरान में एक आयत है पढ़ो, पढ़ने पर हम इतनी मेहनत नहीं करते, यही पैसे अगर खर्च हो जाते करोड़ों रुपए पढ़ाई पर तो आपके मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन की दो दीवारें अच्छी होती, आज आपके गांव के अंदर सड़क का जो हर साल आपसे इलाक में डूबते हैं कोई ना कोई उपाय होता, आपके गांव के अंदर एक भी गवर्नमेंट के तरफ से कोई अच्छा सा शिफा खाना नहीं है, आपके गांव के अंदर डिलीवरी का पेशेंट हो, आपके गांव में कोई इमरजेंसी पेशेंट हो जाए तो अपने गाड़ी में, टेम्पू में, टोटो में बैठकर बिठाकर बड़ी तेजी के साथ इन बांध को पार करते हुए मैं आया हूं, मैंने देखा है आपके रास्ते को, कितनी दिक्कत और दुश्वार के साथ आप पहुंचते होंगे कटिहार। अगर चाहें ये लोग, अगर चाहें हम लोग, तो
ये काम हो सकता। 5 करोड़ रुपए जो चुनाव में खर्च होते, उन 5 करोड़ रुपयों को समाज की, पंचायत की तरक्की के लिए खर्च किया जाए, तो समाज के अंदर हमारे उलमाए कराम को, उलमाए कराम की क्या जिम्मेदारी है सिर्फ मदरसा चलाने की? क्या सिर्फ इनकी जिम्मेदारी है कुरान पढ़ने पढ़ाने की? क्या हमारे उलमा की जिम्मे है सिर्फ चंदा करने की? क्या सिर्फ उलमा के जिम्मे है कि भूखे और प्यासे रह रहकर अपने बच्चों को तालीम दो, फटे पुराने रूम में रहो? मैं जिस रूम में ऑफिस के अंदर लेटा हुआ हूँ, आप चले जाइए, वहां पर कम से कम 100-100 ग्राम का तो मच्छर है। गनीमत शुक्र है हमारे हजरत उस्ताद मोहतरम का कि उन्होंने मच्छरदानी लगा दिया, वरना मैं तो मच्छर से कह कह के तंग हो गया कि भैया मैं तुम्हारा मेहमान हूं 2-3 घंटे के लिए, मुझे कम से कम मत काटो। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा तो मच्छरदानी लगाया। इनकी कुर्बानी है जो इन फूटे फटे पुराने रूम कमरों के अंदर बैठकर कुरान को जिंदा रखे हुए हैं, अहादीस को जिंदा रखे हुए हैं। वरना कोई नेता के करतूत तो ऐसे हो गए हैं कि अल्लाह का अजाब आ जाए और पूरी बस्ती तबाह हो जाए, लेकिन इनकी मेहनत की वजह से इकरा पर अमल ये करते हैं। आपको इकरा का मुखातब सिर्फ ये नहीं है टोपी और दाढ़ी वाले, इकरा का मुखातब आप भी हैं। इकरा अमर, इट मींस ऑर्डर, इट मींस एजुकेट योर चाइल्ड एंड योर चिल्ड्रन एंड एजुकेट एंड नॉलेज। द प्राइमरी ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। एजुकेशन के बगैर, तालीम के बगैर तरक्की नामुमकिन है। तालीम के बगैर आपका हुकूक आपको मिलना नामुमकिन है। उन्होंने डराया हमको कि माना आप नहीं माने तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। हमने कहा कि तुम्हारा पारा आज किसी नेता को तुम गाली नहीं दे रहे हो। हमने कहा कि जनाब हाफिज साहब हाफिज है, वो गनीमत है कि हाफिज भी है। बताइए इकरा पर पूरा अमल नहीं किया, वो नीम मुल्ला हाफिज नहीं, नाम के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए हाफिज लगाते हैं। अब गाली देने लगे कि मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा। हमने कहा कि भाई जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अब्दुल्ला सालिम साहब एक तालिबे इल्म है, हमारे अकाबरीन यहाँ पर मौजूद है, उनसे लोहा ले लो, हमारा तुम क्या बिगाड़ पाओगे? पूरे RSS वाला पीछे पड़ा हुआ, पूरे BHP के लोग पीछे पड़े हुए, मीडिया वाले पूरे पीछे पड़े हुए कि मौलाना की कोई क्लिप आए ऐसी जो असंवैधानिक हो, मौलाना को हाथ में हथकड़ी डाला जाए, अंदर किया जाए। हमने कहा मौलाना चतुर है, और पता जो चतुर चालाक आदमी होता है वो अनपढ़ गवार लुटेरों शराबियों कबाबियों की शर से अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, क्योंकि चतुर होते हैं, कुरान के आलिम होते हैं, अहादीस उनके सीने में होता है। और अल्लाह ने साफ कह दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया, जो कुरान की बात करेगा, जो शरीयत की बात करेगा, जो मदरसों की बात करेगा, जो हक बात करेगा, आई प्रोटेक्ट इट, आई गार्ड इट, हम उसका गार्ड बनेंगे। तो उन जैसे करप्ट लोगों के कहने से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं डरने वाले। तो मेरे भाइयों, ये गौर का मकाम है। उस आदमी ने जो सवाल किया ये पढ़ा कि आपके कौम में, आपके धर्मशास्त्र में पहला लफ्ज इकरा है और आपके यहां तालीम नहीं मौलाना। वाकई तालीम है, हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए तो भैया ये जरा बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईमान, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ईमान। नमाज, नमाज क्या है, जकात क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, अखलाक हमारे नौजवान नहीं जानते, मैनर्स हमारे नौजवानों में नहीं। हमारे बच्चे मेरे ख्याल से 55-65% बच्चे हमारे कौम के जो इलिटरेट है, जाहिल है, ना वो मस्जिद में मदरसों में पढ़ते हैं, ना वो स्कूल में पढ़ते, नहीं पढ़ते। और किसी कौम की तरक्की छुपी हुई है एजुकेशन में। इसको छोड़ दीजिए कि मौलाना स्कूल पढ़ाए कि मदरसा पढ़ाए, इसको छोड़ दीजिए। पहली बात तो चूंकि अब 2 प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, एक स्कूल एक मदरसे, तो अकाइद को दुरुस्त करने के लिए मदरसों में भेजो तो वहां पर अकीदा सही होगा कि अल्लाह एक है, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
जब अपने अकीदे सही होंगे उस बच्चे के, उस बच्चे की नमाज सही होगी, उस बच्चे को शरीयत के पैगाम से, शरीयत के मसाइल से वाकफियत होगी। और अल्लाह तब अल्लाह के नबी ने कहा भी तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम, अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए जिन मसाइल की जरूरत पड़ती उन मसाइल को हासिल करना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की पवित्र जिंदगी क्या है, मोहम्मद कैसे रहते थे, मोहम्मद अपनी बीवी के साथ कैसे रहते थे, अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहते थे, मोहम्मद का मामलात, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मामलात क्या थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अकवाल व फाल क्या थे, अपने समाज में अपने गाँव में उन चीजों को जानना जरूरी है। तब जाकर अगर कोई आपके मोहम्मद पर इल्जाम लगाएगा, आपकी शरीयत पर कोई इल्जाम लगाएगा, तो जानकारी अगर होगी तो आप सर उठाकर जवाब दोगे कि हमारे मोहम्मद बुरे नहीं थे, हमारे मोहम्मद का पैगाम तुम्हारे शास्त्रों में है। आर्या समाज के लोगों को हम मुखातब करेंगे, हम बीएचपी के लोगों को मुखातब करेंगे, हमारे से बजरंग दल के लोगों को मुखातब करके कहेंगे कि उठाओ सत्यार्थ पर काश में लिखा है, क्या साफ लिखा है, दृष्टि भूतान वस्त्र भूतान जलाम पिभे एन वदेद वाचम सत्य भूतान वदेद वाचम जलाम पुभे। दृष्टि को नीचे कर, दृष्टि को नीचे करके चलो, ऊंच नीच स्थान को देखकर चलो। देखिए संस्कृत का पैगाम, पंडित दयानंद सरस्वती का पैगाम, लेकिन बयान किसकी बात कर रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के हदीस का मीनिंग बतला रहे हैं वो, कि नीचे निगाह करके चलो, ऊंच नीच स्थानों को देखकर चलो। ऐसे नहीं कि आप चल रहे हैं, कभी इस घर में आपकी निगाह है और कभी समाज की बहू बेटियों पर आपकी निगाह, बल्कि आपने सामने आगे अपनी निगाह को रखो। कुल लिलमुमिनीन यगुज्जु मिन अबसारिहिम, अल्लाह भी कहता है कि निगाहें नीची करके चलो, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे ईमान के लिए, तुम्हारे इज्जत और आबरू के लिए ज्यादा पवित्रता की बात होगी। तो बताइए जब हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे, हमारे बच्चे जानकार होंगे, तो उनको समझाएंगे कि मोहम्मद के बारे में गलत मत बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह को गलत मत कहो, बल्कि वो तो आपके ग्रंथों में भी जिंदा है, वो तो आपकी किताब में भी जिंदा है, कि दृष्टि पूताम सत्य पूताम वदेत वाचम जलाम पिभे। मोहम्मद ने कहा कि जब पानी पीते हो तो उसको देख करके पिया करो, पानी पीते हो तो तीन सांस में पिया करो, वस्त्र पूताम जलाम पिभे, पानी से कपड़े से छान कर पानी को पियो। कौन है, क्या है, पैगाम है मोहम्मद का, पंडित दयानंद सरस्वती जो इस भारत के अंदर 1857 में जो इस धरती के ऊपर सर उठाया था इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कुरान को बदनाम करने के लिए, मदारिस को बदनाम करने के लिए, वही पंडित दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की बुनियाद रखी, उनकी किताब है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समल्लास में बताया, दृष्टि पूताम वस्त्र पूताम जलाम पभे वदेद वाचम सत्य पूताम जलाम पभे, के सत्य से कपड़े से छान कर पानी को पियो, सत्य से खूबसूरत करके अपनी बातें लोगों के सामने कहो, पहले गौर करो, फिक्र करो, तब कोई बात तुम बोलो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी यही फरमाते हैं कि कोई भी बात अगर तुम कौम के सामने रखते हो तो पहले ढंग से सोच समझ करके बोला करो, अगर कुछ नहीं जानते, कुछ अच्छी बात तुम्हारे पास नहीं है तो खामोश रहो, खामोश रहोगे तो निजात पाओगे। मन समाता नजा, जो आज में खामोश रहा, बड़ बोला मत बनो, खामखा पकड़ पकड़ मत करो, किसी की भी बुराई कहीं पर भी शुरू मत करो, बल्कि खामोश रहो, काम की बात बोलो। मोहम्मद रसूलुल्लाह खामोश रहते थे, जब भी बात बोलते थे काम की बात बोलते थे, समाज को अच्छाई एक मार्ग दर्शन के लिए बात बोलते थे। मेरे भाइयों, ये चीजें कहां से आएंगी, ये चीजें आएंगी एक कौरा तालीम से, ये चीजें कहां से आएंगी, जानकारी से आएंगी। अगर आपको जानकारी है तो आप अल्लाह की वहदानियत को हर जगह रख सकते हैं, अगर आपको जानकारी है तो आप कुरान को बता सकते हैं, अगर आपको जानकारी है तो आप कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब, दुनिया ने ये तय किया, दुनिया ने ये माना है कि सबसे बड़ी किताब कुरान करीम के बाद
कौन है मुसन्निफ उसके, असहुल कुतुब इबाद किताब अल्लाह, सबसे ज्यादा सही तरीन किताब असही अल बुखारी। और पता इमाम बुखारी को अजम में पैदा हुए, उज़्बेकिस्तान के एक शहर के अंदर, खुरासान के एक शहर के अंदर, बुखारा के अंदर पैदा हुए और एक मामूली घराने में पैदा हुए, लेकिन पूरी दुनिया ने कुरान करीम के बाद किसकी किताब का दर्जा और किसका नाम आता है, इमाम बुखारी का। ये इज्जत उनको कहां से मिली? ये इज्जत उनको इक़्रा तालीम से मिली। ये इज्जत के सम्मान उनको कहां से हासिल हुई? एजुकेशन और नॉलेज की बुनियाद पर। 11 साल की उम्र थी इमाम बुखारी की। इनका असल नाम मोहम्मद, मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, मोहम्मद नाम था इमाम बुखारी का। अबू अब्दुल्ला कुनियत इनकी थी। इमाम बुखारी 11 साल की उम्र में हजारों अहादीस मुबारका इनको याद, सत कहा जाता है कि 70,000 हदीसें इनको याद थी अस्माए रिजाल के साथ, और उनके तमाम के तमाम रावियों के जिंदगी के उनके हालात के साथ। आज 70,000 हदीस तो दूर की बात, हमें 70 हदीस याद नहीं, हमें 70 सूरत याद नहीं, हमें कुरान करीम के अंदर जो अहकाम किया है वो हमें मालूम नहीं। अभी हॉलीवुड कौन सी पिक्चर को बोलते हैं, नौजवानों से पूछो कि हॉलीवुड मार्वल, हॉलीवुड मार्वल, जो हॉलीवुड मार्वल की कंपनी के जरिए से जो फिल्में आती है ना मौलाना, वो टेक्नोलॉजी में, वो एडवांस टेक्नोलॉजी में जो बनाते हैं, वो आयरन आयरन मैन बनाते हैं, वो कौन कौन स्पाइडर मैन बनाते हैं, और वो थॉर बनाते हैं, और वो अवतार बनाते हैं, और वो एंथम बनाते हैं, ना मालूम क्या क्या दिखाते हैं वो उसके अंदर में। वो फिल्में कहाँ से आती है जी? जी ये फिल्में, ये यहूदी लोग, हॉलीवुड फिल्में हैं और ये मार्वल प्लेटफॉर्म से निकल कर आती। इतनी बारीक बारीक बात वो बता देंगे आपको कि फिल्म को कास्ट करने वाले कौन कौन सी जनाब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। जी हॉलीवुड है, टी सीरीज है, वीनस है, वगैरह वगैरह हमारे नौजवान जानते हैं। लेकिन उनसे पूछ लो कि भाई एक हदीस अगर याद कर लो तुम, एक हदीस पर अगर अमल कर लो, सुन्नत पर अमल कर लो, तो 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। वो तो कहेगा कि व्हाट इज द हदीस, हदीस किसको बोलते हैं? एक जवान को बोला कि कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बोला हम उर्दू नहीं जानता मौलाना, उसको पता ही नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उर्दू है कि अरबी। हमारे नौजवानों की हाल, इसीलिए उसको ताज्जुब हुआ इक़्रा, कि मौलाना इक़्रा जिस शरीयत में हो, इक़्रा कहा गया हो, और उसका 50-65% बच्चा जाहिल है, कान में सिर्फ एयरफोन लगाकर। आर्यन खान रिहा हुए कि नहीं हुए? आर्यन खान जेल से बाहर निकले कि नहीं निकले? फैंस की एकदम भीड़ लग जाती है आर्यन खान को रिहा करने के लिए। अगर वाकईतन वो गैर मुजरिम है तो ठीक है, यह काबिले निंदा है, यह काबिले रिजेक्ट है, ना काबिले कबूल बात। लेकिन उससे पहले एक हीरो का और, एक हीरो का और क्या हुआ, आज बेल हुआ है, कौन सा? ताहा फैसल का कोई नाम शायद नहीं जानता होगा, उसको भी आज जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से, उसको लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आर्यन खान जिसको शायद सही ढंग से कलिमा याद ना, जो कभी अपने सजदे को, अपनी पेशानी को नमाज में कभी ना झुकाया, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। शर्म है ऐसी कौम पर, ऐसे लोगों पर कि तुम दुआ करते हो उसके लिए, उसके साथ साथ उन 6,500 नौजवानों के लिए दुआ करो जो 15-20 साल से यूएपीए लगाकर उन्हें जेल की काल कोठरियों में डाल दिया गया है। उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है, उनके केस लड़ने के लिए कोई लॉयर नहीं है, जजेस नहीं है कि हम उनके उनके लिए कोई जस्टिस मिले उनको, उनके लिए कौन दुआ करेगा? अगर आपका हाथ सिर्फ आर्यन खान के दुआ के लिए उठता हो, अगर आपका हाथ किसी फिल्मी एक्टर की रिहाई के लिए उठता हो, तो गरीब बच्चियों, गरीब नौजवान जो जेलों के सलाखों में हैं, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो डूब मरो तो आपके ऊपर जल्लाद मुसल्लत होंगे, आपके ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत होंगे। और हमारे इन्हीं गलत करतूत की वजह से त्रिपुरा के अंदर सैकड़ों घर जला दिए गए पेट्रोल डालकर छींट कर, एक मोहल्ले
अंदर कम से कम 200-300 घर जलकर तबाह हो जाते। क्या हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम उनके लिए दुआ करें? इतनी अकल नहीं है कि हम त्रिपुरा के लोगों के लिए आवाज बुलंद करें? कौन सा कौम आपको कौम है जिसने 313 ने पूरे 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाल दिया? आप वो कौम है 1000 की तैदाद ने 3000 लश्कर जर्रार को धूल चटाया था? आप वो कौम है जो 30,000 में 6,00,000 आर्मी रोमन फौजियों के नाक में नकेल डाल दिए थे? आप वो कौम है जो 15,000 की तैदाद ने 3,00,000 फौजी लश्कर का मुकाबला किया? आप वो कौम है कि आप तन्हा होते 600 की तैदाद आपकी होती है, 6,000 पर भारी पड़ते? आप वो कौम है कि 6,000 फौज लेकर मोहम्मद बिन कासिम चलता है सिंध को फतह करने के लिए, मुकाबला करता है एक बड़े बड़े बादशाह से, 3 घंटे के अंदर मैदान फतह कर लेते हैं? आप उस कौम के लोग हैं। और अभी हालत यह है कि हम लोग 65% पढ़े लिखे अपने कुरान को नहीं जानते। मन आया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अजनबियती शहीद। जो आदमी उम्मत फसाद उम्मत के वक्त एक सुन्नत पर अमल कर ले, एक हदीस पर अमल कर ले, नबी पाक अली सलाम का फरमान है 100 शहीदों का सवाब उसको दिया जाएगा। और एक बात याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का फरमान है लन तस्तमी उम्मती अला ज़लाला, हमारी ये पूरी कौम गुमराही के ऊपर जमा नहीं हो सकती। तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, आप उसको पकड़े रखोगे तो तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज क्या है? वो दो चीज किताबुल्लाह व सुन्नतु रसूलिल्लाह, एक अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह के नबी के हदीस मुबारक है, और सुनन रसूल है, सुन्नतें हैं। आज हम इन तमाम तालीमात से अपने आप को हमने अलग कर लिया। हमारे बच्चे कुरान नहीं पढ़ना जानते, हमारे स्कूल में चले जाइए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा जो बच्चा नर्सरी में आया था, आज वो बच्चा आपको जो अगर 2 क्लास में है तो पूरा 30वां पारा अम का पारा अम्मा इतसालुन का पूरा पारा हिफ्ज कर चुका। यानी उसकी शुरुआत की हमने कायदे से, नूरानी कायदे से उसकी शुरुआत की, कायदा बगदादी से उसकी हमने शुरुआत की बुनियादी, उसको कुरान पढ़ना सिखाया। इन 2-3 साल के अंदर पूरा कुरान बिनाजरा पढ़ लिया वो बच्चा। और जहां उससे उनसे फिर पूछते हैं कि क्या तुम नमाज पढ़ने के लिए जो छोटी छोटी सूरतें हैं 30वें पारे के अंदर वो याद कर सकते हो हिफ्ज, तो वो बच्चा याद करता। हम चूंकि टाइम ऐसा देते हैं कि फजर के बाद बच्चा कुछ नहीं पढ़ेगा, अपनी दीनी किताबें पढ़ेगा, कुरान की तालीम पढ़ेगा, अहादीस मुबारका की मुताब उसको याद करेगा। छोटी छोटी हदीस है जैसे ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन औ तसारीरुन, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के बहुत छोटी छोटी हदीस है, हमने 40-50 हदीसें जमा करके हमने बुखारी मुस्लिम से इसाई सित्ता से निकाल कर उनको दिया, वो बच्चे पढ़ते हैं, याद है उनको। ऐसा निजाम हमने बनाया, हम और आप चाहेंगे तो बना सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, गाड़ी पर बैठकर पान खाकर कान में लीड लगाकर उड़ने से कुछ नहीं होगा, उड़ोगे तो उड़ा देंगे, पेट्रोल के जरिए मार देंगे आपको, गैस की कीमतें बढ़ाकर मार देंगे। आलू की कीमत 2 हफ्ता पहले क्या थी? 1300 रुपए क्विंटल, और आज क्या है? आज की रेट मैं अपने स्कूल में 2 क्विंटल खरीदा हूं 2600 रुपए क्विंटल, यानी 2 हफ्ते में दोगुना रेट। ये सब जानकारी भी नहीं है। आप अगर नहीं जानोगे अपनी शरीयत के बारे में ढंग से, तो आप दुनिया के बारे में भी नहीं जान सकते। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि बस कुरान को उठा लो, हदीस मुबारका के पीछे पड़ जाओ, मस्जिद मदरसों में अपना टाइम जाया कर लो, नहीं। अगर पढ़ोगे तो आपका आने वाला मुस्तकबिल जो आपकी जिंदगी के बाद है वो कामयाब होगा। लेकिन दुनिया के अंदर अगर थोड़ी सुकून और चैन चाहिए तो आपको थोड़ा सा इन जगहों से लगकर जुड़े रहने के साथ साथ थोड़ा सा आप मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आपको आना होगा, आपको अपना हक ढूंढना होगा कि मैं एक नागरिक हूं, मेरे डेटा हक हुकूक है। ये जब ही पॉसिबल हो सकता है जब आप जानकार, आपको जानकारी अगर नहीं है, आपको जानते ही नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको याद होना चाहिए हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे हमारे अकाबरीन और ऐसे ऐसे मशायख गुजरे हैं। जेल के अंदर मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जेल किया गया, इनको
जेल के अंदर चले जाते, जंग अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ने के जुर्म में इन्हें जेल कर दिया जाता है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से, और पता कहां से पढ़े थे ये, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, मौलाना कासिम और मौलाना ममलूक अली नागर। उस वक्त के अंग्रेज हुकूमत के अंडर में जो मदरसा चलता था, उसी मदरसे में रहकर इन्होंने अहादीस की तालीम हासिल की, कुरान की तालीम हासिल की। खड़े हुए, अपना सीना भर लिया कुरान से, शरीयत से, अहादीस रसूल से। तब अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए। जब मौलाना रशीद को जेल होता है, जब ये जेल जाते हैं, एफआईआर में थाने के जरिए से जेल कर दिया जाता है, तो पता वहां पर क्या किया इन्होंने। वहां पर बैठकर फजीहत नहीं की, अफसोस नहीं करे इन्होंने, बल्कि वहां पर बैठकर इन्होंने जो मुसलमान थे, जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, उनको सामने बिठाया और कहा कि तुम लोग जब काम करते हो काम करो, बाकी तुम लोग नमाज पढ़ो। उन्होंने कहा कि हजरत, हाउ कैन आई रिसाइट आवर कुरान, हाउ कैन आई रिसाइट हमारी होली ग्रंथ कुरान करीम, बिकॉज वी ऑल डोंट नो अबाउट द कुरान, हम कुरान के बारे में नहीं जानते हैं। हजरत शेख, आप कुछ ना कुछ बताइए। उन्होंने मौका अच्छा समझा, एक ग्रुप तैयार की और एक दरसगाह वहां पर कायम किया। अपने मेहनत के पैसों से थाना दुनिया का जहन्नम, जेल दुनिया का जहन्नम है, वहां पर भी आप काम करते हैं, वहां पर भी आप दर्स तदरीस का काम ले सकते हैं। रशीद अहमद गंगोही ने एक दरसगाह तैयार किया, एक मदरसा तैयार किया, कुरान पढ़ना लोगों को सिखाया। शुरुआत से लेकर कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग तो पूरा कुरान पढ़ लिए, कुछ लोग हिफ्ज करने लगे, कुछ लोग तो आधे हाफिज बन गए, और कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने अभी शुरुआत की थी, जिनका कुरान पढ़ना जानना उनका मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन इनकी हजरत मौलाना की बेल हो जाती, इनकी रिहाई के ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो पता है मौलाना सब लोगों को खुशी ही दी, लेकिन कुछ लोग वो भी थे जो वहां पर रो रहे थे। जेल से बाहर निकलने पर खुशी होती, खुशी होना भी चाहिए, जैसे आज हो रहा है। आज एक खान साहब निकल गए हैं आकर जेल से, तो पूरी दुनिया कवर करने में लगी हुई है, क्योंकि वो करोड़पति उद्योगपति के वो सपूत हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो गुजरात दंगे में फंसाए गए, दारूम देवबंद से पकड़े गए, मेरठ के दंगों में फंसाए गए, बिहार के दंगों में फंसाए गए, न मालूम खामखा ड्रग्स का, खामखा आरडीएक्स का इल्जाम डालकर डॉक्टर मोहम्मद कफील साहब जो गरीबों के लिए मरते थे, 7 साल तक जेल में रहे, 7 महीने तक जेल में रहे वो, यूएपीए लगाकर उनकी जिंदगी तबाह बर्बाद की गई। डॉक्टर कफील को 7 महीना लग गए, यहां तो जनाब 1 महीने से पहले पहले ही उनकी बेटे की रिहाई कर दी जाती। क्यों? हाई प्रोफाइल पर्सन, वो बहुत ऊंचे आदमी है, वो नाराज हो जाएंगे तो शायद तरक्की रुक जाएगी। एक बात याद रखो मौजूदा कुर्सी पर बैठकर जालिम हुक्मरानों, पैसे वाले की बद्दुआ ईश्वर के दरवाजे से वापस आ जाती है। उनकी बद्दुआ वापस आती क्यों? क्योंकि उन्होंने हराम कमाई के जरिए अपने अपने बिल्डिंगें खड़ी की, अपने अपने महल्लात तामीर किए, लेकिन डॉक्टर कफील जैसा या फिर 6,500 मासूम मुसलमान, मोहम्मद कय्यूम, मोहम्मद तबरेज, मोहम्मद जावेद, अब्दुल रहमान, हनीफ, साकिब, ये दोनों जवान है, 15 साल तक जेल में रहे। जेल के बाद सुप्रीम कोर्ट में आखिर में क्या कहा कि इनके ऊपर कोई अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इनको बाहर भेज दिया जाए, उनकी इज्जत गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जुडिशरी, मैं सवाल करता हूं, 15 साल उनकी जिंदगी तबाह हो गई, उनके ऊपर ये चार्ज लगाने वाले उस पुलिस वाले का, उस इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर का आपने क्या किया? उनके हाथ में हथकड़ी डालो और एक मासूम इंसान की 15 साल जिंदगी बर्बाद करने पर उनको जेल करो। 15 लाख रुपए मुआवजा देने से उनकी 15 साल की जिंदगी और उनकी बदनामी, उनकी इज्जत वापस दोबारा लौट कर नहीं आएगी। मेरे भाइयों, खुशी का मकाम होता जब बेल होता, ग्रांट होता, लेकिन इन गरीबों के लिए कोई नहीं छोड़, कोई नहीं सोचता। क्यों? हमारे पास लॉयर नहीं, हमारे पास तो बाबरी मस्जिद को लड़ने के लिए भी लॉयर नहीं, हमारी बाबरी मस्जिद लॉयर कौन,
एक सनातन धर्म बताइए, सनातन धर्म एक हिंदू भाई बात की तर्जमानी करेंगे इंटरनली तो कुछ भी कर सकते, वो तो कहेंगे कि नहीं भैया हम तो चाह रहे हैं कि भव्य राम मंदिर बने तामीर हो इसकी। एक सुदर्शन न्यूज का जो एंकर वो जाकर मौलाना से पूछता है कि मौलाना आपके औरंगजेब साहब ने तो मस्जिद तोड़वा दी मंदिर तोड़वा दी, हालांकि उस गधे को यही मालूम नहीं है कि मंदिर भी तोड़ा है और मस्जिद भी तोड़ा, मस्जिद भी शहीद की औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। मंदिर क्यों तोड़ा था उन्होंने, क्योंकि उस मंदिर के अंदर में तहखाने में दौलत छुपा के रखे थे कुछ लोग, वहां के जो पदाधिकारी लोग थे उस ब्लॉक के तो छुपा कर रखे थे, तो औरंगजेब को पता चला तो मंदिर तोड़वा दी उन्होंने दौलत को खजाने को निकालने के लिए। लेकिन सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि दूसरे तरफ उन्होंने मस्जिद को भी शहीद कराया। बिल्कुल यही इंफॉर्मेशन औरंगजेब को मिली थी कि उस मस्जिद के नीचे कुछ दौलत है, माल का उम्मत का कुछ माल है, तो इसीलिए उसको भी उन्होंने शहीद करवाकर शहीद करवाया और फिर वहां से दौलतें निकलवाई। उस सुदर्शन न्यूज वालों के पता नहीं पेट में क्यों दर्द होते, वो बार बार कोई ना कोई सवाल लेकर आ जाता। हमने कल भी जलसों में बताया था कि उन्होंने काफिर के ऊपर एतराज़ किया और उन्होंने अल्लाह के ऊपर एतराज़ किया, अल्लाह ईश्वर के ऊपर एतराज़ किया। बताइए उसको कुछ मिलता नहीं, बस सिर्फ ढूंढते क्या, जिहाद ढूंढते क्या, लव जिहाद ढूंढते क्या, ढूंढते जंग ढूंढते क्या, ढूंढते कत्ल ढूंढते, बस यही सब ढूंढते और कुछ नहीं ढूंढते। तो मेरे भाइयों, तो मौलाना रशीद अहमद गंगोई जेल के अंदर पढ़ा रहे थे क्या, कुरान का दर्स शुरू किया, अहादीस मुबारका का दर्स शुरू किया। बहुत से बोलोगे जो कुन जहन होते हैं, ऐसे भी होते हैं कि बहुत से बच्चे कुन जहन होते हैं, तो कुन जहन उनकी डल माइंड होने की वजह से, एक शार्प माइंड एक डल माइंड होने की वजह से जब वो आने लगे तो वो भी रो रहे थे। सबने कहा कि हजरत आप क्यों रो रहे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए आप जेल से रिहा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं इसलिए रो रहा हूं कि मैं जेल से बाहर तो चला जाऊंगा, लेकिन ये लोग जिनका कुरान पूरा नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या आप जेल छोड़कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज वादा करता हूं, तारीख में पहला एक ऐसा मिसाल और वाकया सामने आता है कि मौलाना साहब ने अपने बेल को फाड़ा वहीं पे और दोबारा फैसला किया उन्होंने जेल में रहने का। इसलिए मेरे भाइयों एक अरब पर अमल करने के, और उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक हमारा यहाँ पर मुस्लिम भाई, बहुत से नॉन मुस्लिम भाई भी, जब तक वो कुरान पढ़ना नहीं जान जाते, कुरान की तिलावत नहीं सीख जाते, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और यही किया हजरत मौलाना ने, रहे वहां पर जेल में कई महीने एक्स्ट्रा रहे, बेल को फाड़ दिया और वहां पर रहकर उन्होंने कुरान करीम की तालीम, कुरान का दर्स कायम किया, अहादीस मुबारका का दर्स कायम किया। जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे उनको कुरान सिखाया। कुर्बान जाइए हम और आप लोग हमारे उलमाए किराम पर जिनके तरफ हम लोग तवज्जो नहीं करते। मेरे भाइयों आपको मालूम नहीं हमारे इस बेतवज्जोही की वजह से हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम कहां जाते, आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर गए हुए हैं। मैं ऐसे 10 बड़े आलिम दीन का नाम पेश कर सकता हूं, मैं पूरे तर्क के साथ कह रहा हूं कि वह हजरात उलमाए किराम आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर गए और आरएसएस को ऐसी हमारी शरीयत का इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको कोई ना कोई तो है हमारे प्लेटफॉर्म से जो उनको ये चीज लीक कर रहा है, ये पास कर रहा है इस्लामी तालीमात और इस्लामी कवानीन के बारे में उनको बता रहा। क्यों गए आरएसएस के प्लेटफॉर्म में, जिम्मेदार हम लोग हैं। कैसे जिम्मेदार हैं हम लोग अपनी मस्जिद जब बनाते हैं तो मस्जिद के इमाम साहब के ऊपर जो पंखा लगता है वो होगा जनाब उषा कंपनी का, बजाज कंपनी का, या तूफान कंपनी का, या रॉक्सी का, इसका होगा फैन, ताकि मौलाना साहब को बेहतर हवा लगे। और नीचे जो मुसल्ला बिछाते हैं एकदम कालीन मोटे वाले शानदार कालीन बिछाते हैं, इन दोनों के बीच में जो इमाम साहब नमाज पढ़ाते उनसे पूछो कि तनख्वाह कितनी है इमाम साहब की, वो कहेंगे 4,000 रुपए तनख्वाह। वाह भाई वाह, जब 4,000 रुपए तो मोटरसाइकिल के पेट्रोल में आप खर्चे कर देते, आप में से 5,000 का तो पेट्रोल इनफिल में खर्चा कर देते,
जब से हम लोगों ने ऐसा मिजाज बनाया है कि नहीं 5,000-6,000 तनख्वाह होनी चाहिए उलमाए किराम की, मस्जिद मदरसों में पढ़ाने वालों की, नहीं बेहतर से बेहतर तनख्वाह दीजिए। इमाम सबसे ज्यादा पाबंद होता है अपने वक्त का, अपनी ड्यूटी का, कि 24 घंटे में 5 वक्त आपकी नमाज को लेकर अल्लाह के पास जाता। एक जगह हमने कहा ना कि इमाम साहब तो 6 महीने से तनख्वाह नहीं दिया बेचारे को, आखिर में ये कहा कि इमाम साहब आपकी जरूरत नहीं, आप जाइए घर पे जाइए। इमाम साहब ने कहा कि 6 महीना जो पढ़ाया नमाज उसकी तनख्वाह दो। उन्होंने कहा आप रहे ना खाए ना कमरा यूज किया ना आपने, बात बराबर होगी, जाइए अपने घर को जाइए मौलाना अब्दुल्ला। तो मौलाना अब्दुल्ला ने भी कहा कि कोई बात नहीं, 6 महीने की तनख्वाह नहीं दोगे ना तो तुम्हारी 6 महीने की नमाज भी नहीं होगी। कहा कैसे? कहा कि तुम लोग तनख्वाह नहीं दे रहे थे, हमने बिना वजू के ही नमाज पढ़ाया। अब बताइए ये वाला मामला है, बल्कि अइमाए किराम को, उलमाए किराम को, ये कौम के सरमाया है भाई। हमारा अकीदा जो महफूज है इन्हीं की वजह से ये लड़ जाते हैं, फिर जाते हैं, ये भले 25 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं, ये 50 रुपए मीटर का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन इनके सीने में जो कुरान है, जो शरीयत का जो इंफॉर्मेशन है, ये पहाड़ों को भी हिला सकती है। अल्लाह का कलाम इनके सीने में होता है, इनको इज्जत दो, इनको सम्मान दो लोगों, ये रसीद लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचे तो आप इनको जलील मत करो बल्कि सम्मान के साथ बिठाओ, जैसे मुखिया जी के आने पर कुर्सियां देते, चाय पेश करते, नाश्ता देते हैं। तो हमारे उलमा जब पहुंचे आपके इलाके में, आपके दयार में, आपके गांव में, तो उनको इज्जत दो, उनको ऐसा लगे कि जरूरत मुझे नहीं है बल्कि जरूरत इनको है। क्यों गए आरएसएस के प्लेटफॉर्म पर? क्या गलती थी हमारे हिंदू भाइयों को भटकने की? उनके उलमा ने, हिंदू भाइयों के मुफ्तियों ने, हिंदू भाइयों के मौलवियों ने, हिंदू भाइयों के महाराजाओं ने उनकी किताबें नहीं बताई पढ़कर। हमारे उलमा अगर बताने लग जाएं, हमारे उलमा अकीदे को छुपाने लग जाएं, हमारे उलमा मसाइल को छुपाने अगर लग जाएं, तो बताइए अगले 50 साल के अंदर बदअकीदगी, बिदात, खुराफात पैदा होगा कि नहीं होगा? 50 साल में जनरेशन पता नहीं कहां चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चले। मगरिब की नमाज में 3 रकात पढ़ते वो दिमाग लड़ाएगा, अरे असर में 4 रकात है और ईशा में 8, 4 रकात फर्ज है, ये मगरिब में 3 ही क्यों है? ओहो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, इसीलिए ऐसा करो कि असर में भी 4 और ईशा में भी 4, दोनों में 4 रकात फर्ज है, तो मगरिब में भी 1 बढ़ाकर पूरा कर दो, वो दोनों के मुकाबले में कर दो। बजाहिर क्या लग रहा है कि नहीं कोई गुनाह थोड़े ने किया, 1 रकात का इजाफा किया है, नमाज ही तो पढ़ रहा है ना, रिश्वत तो नहीं ले रहा है, ये गलत तो नहीं कर रहा, जिना तो नहीं कर रहा, शराब तो नहीं पी रहा है, काम तो अच्छा किया है। लेकिन मेरे भाइयों फिर क्या होगा, वो तो समझेगा कि बहुत अच्छा काम किया, हम भी 1 रकात का इजाफा करते, हमारा नाम विद्वानों में अब आ जाएगा कुछ दिनों के बाद, ऐसा सोचेगा। लेकिन मरने के बाद जो उसकी ठुकाई होगी वो अंदाजा भी नहीं कर सकता, बंदर की तरह मार मार कर लाल कर दिया जाएगा कि सदियों से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो पैगाम दिया, 3 रकात पढ़ के आ रहे थे तुम्हारे बाप दादा, तुमको पता नहीं। लेकिन नहीं, नहीं कर सकता कोई, क्यों? हमारे उलमा पीछे खड़े, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, ये कुरान की तारीफ बताते हैं। मदरसा आपके गांव में है तो आप खुश नसीब हैं, मकतब आपके गांव में है तो आप नसीब वाले हैं, आपके मदरसे में, आपके गांव के मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो मेहमानान रसूल हैं वो, उनको सम्मान कीजिए, उनको अच्छा खाना खाने की दावत कीजिए, उलमा को ऐसा महसूस होने ना दीजिए कि भाई वो जलील हो रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम में हम गुजरात गए, मेरे भाइयों जो उन्होंने हमको तोहफा और नजराना पेश किया, जो उन्होंने हमको हदीए तहाइफ दिए, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था, वो गुजरात जहां पर 27 फरवरी 2002 को फसाद शुरू हुआ, जहां पर 59 कार सेवकों को, 59 लोगों को ट्रेन के 2 डब्बों में डालकर एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत जलाकर मार दिया गया, और फिर वहां से जो दंगा शुरू हुआ है पूरे गुजरात में, 3200 मुसलमान मारे गए और उनसे कहीं ज्यादा हमारी औरतों की इज्जतें लूटी गई, हामिला औरतों के पेट चाक कर उनको, बच्चों को निकाल कर खोलियों से भून दिया गया,
बाप के सामने बेटियों को भराना करके उनकी इज्जत लूटी गई, उनके एक एक पैर काट दिए गए। औरतें ट्रक में बैठकर भागने की कोशिश करती थी तो उस ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाता था। उसी गोधरा में, उसी गुजरात के अंदर अभी इसी महीने के करीबी तारीख में हम प्रोग्राम कर वहां से पहुंचे। मेरे भाई, आपको यकीन नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, 22 तारीख को प्रोग्राम था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं अब्दुल्ला सालिम कोई इंसान नहीं हूं, मैं शायद इनके बीच में कोई फरिश्ता आ गया हूं, मैं इनके बीच में शायद कोई एक कौम में जो मोहब्बत होती है अपने सरदार में, शायद इनका सरदार बनकर आ गया हूं। वो प्यास, वो मोहब्बत, वो शान और शौकत, वो इज्जत वो लोग देते, शायद यही वजह है कि गुजरात की धरती पर सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतों की बारिश की है। पूरे भारत के अंदर तकरीबन जितने भी मदारिस चलते हैं, गुजरात का एक बहुत बड़ा चंदा आता है, वहाँ के अहमदाबाद से, वहाँ के बड़े बड़े शहरों से, पूरे हमारे खुसूसन सीमांचल के अंदर कई इदारों के अंदर पहुँचता। और मुसलमान अच्छी हालत में है क्योंकि उलमा को सम्मान देते हैं, उलमा को इज्जत देते हैं। किसी भी आलिम दीन की तनख्वाह वहां पर 15,000 से 20,000 से कम नहीं। हमने जिस मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ाई, उस मस्जिद को उन्होंने 13 करोड़ रुपए खर्च करके उस मस्जिद की तामीर की। और वहां पर जो जामे मस्जिद और जो मरकजी मस्जिद थी, सबसे बड़ी मस्जिद, वहां पर 27 करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने उस मस्जिद को बनाया। सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान उनके बने हुए थे। वो सम्मान, वो इज्जत वहां पर उन्होंने उलमाए कराम को दिया है। आप अगर नहीं देंगे अपने उलमा को इज्जत और सम्मान, तो आपका अकीदा सबसे पहले चला जाएगा। और आपकी इस अकीदे की हिफाजत कौन करता है? ये उलमा इकराम करते हैं जो इकरा की तालीम को अपने मदरसों में बैठ कराम करते हैं। वरना हिंदू भाइयों के अंदर तो यही हुआ, यहूदियों में क्या हुआ, क्रिश्चियन में क्या हुआ, बड़े बड़े उलमा थे ना उनके, लेकिन अपने अपने ग्रंथों को खुद से उन्होंने बताया, खुद से तब्दील कर दी। एक किताब है एक ईश्वर के बारे में, दो लाइन्स हैं, एंड आई प्रे माई फादर एंड माई मदर, बाइबल में क्रिश्चियन लोग करते, आई प्रे माई फॉर फाइव माई फादर फॉर माई मदर, पहले चैप्टर में ये है। और क्रिश्चियनिटीज की इसी बाइबल के अंदर, आप जो अमेरिका से है इंसाइक्लोपीडिया के अंदर देखिए, जो बाइबल का जिक्र किया है उसमें क्या लिखा है, 5वें नंबर के ओल्ड में, ही हैज नो फादर नो मदर। पहले कह रहा है कि आई प्रे फॉर माई फादर एंड मदर, यानी ईसा के लिए और मरियम के लिए। बहुत गलत अकीदे हैं इस ताल्लुक से। और वहीं पर आके वही क्या कह रहा, ही हैज नो फादर नो मदर, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं कि ना उनके माँ है ना पिता है। मेरे भाई, ये गलती कहाँ से पैदा हुई? ये गलती पैदा हुई उनके उलमा ने खयानत की उनकी शरीय मसाइल में, उनकी धार्मिक ग्रंथ के अंदर। सही तालीम कौम के बच्चों को नहीं दिया, नस्लों को नस्लन बाद नस्लिन आती गई, वो कौम जलील तरीन होती गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए उसी कौम को, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आए कौम के बीच में, क्रिश्चियनिटीज के बीच में, यहूदियों के बीच में, मुशरिकीन के बीच में। उन्होंने इस पस्ती में जिंदगी गुजारने वाले कौम को इकरा के जरिए से, कुरान के जरिए से फलकुल अफलाक पर पहुंचा दिया, अर्श पर पहुंचा दिया। और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कौम अल्लाह तबारक व तआला के जरिए से तस्दीक दिलवा दी अल्लाह तबारक व मुहम्मद रसूलुल्लाह ने। और अल्लाह ने कुरान में कहा, वअंतुमुल आलून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सबसे हाईएस्ट हो, तुम ही सुपर पावर। मेरे भाइयों, लेकिन हम लोग आज कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, हम लोग खुद ही समझ सकते हैं, हम लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि वक्त भी बहुत हो चुका है और मैंने एक लंबा सफर करके खुद ही यहां तक, आपके यहां तक दयार तक गाड़ी ड्राइव करके पहुंचना हुआ। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं यही बात कहूंगा कि अगर अपने अकीदे को, शरीयत को बचाना है तो इकरा पर अमल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दोनों तालीम दीजिए, अपने मदरसे की भी तालीम दीजिए और अपने स्कूल की भी तालीम दीजिए। वरना हिंदू ग्रंथों की तरह होगा, तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणन्ति, कि कहेंगे ईश्वर अल्लाह तो कहेगा इकरा पढ़ो, लेकिन हमारे उलमाए कराम से जवाब हट जाएंगे, जब उलमा छोड़ देंगे, दुनिया की तिजारत में लग जाएंगे, तो फिर हमारे उलमाए कराम आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगे,
वीएचपी के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, हमारे उलमाए किराम बजरंग दल के प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, हमारे उलमाए किराम क्यों? कभी कभी ऐसा होता है जनाब, दुनिया के रेल पेल, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की शान शौकत, कोई गाड़ी का लालच दे दे, कोई पैसों का लालच दे दे, तो आदमी जब हालात के जद में आता है तो अपने ईमान को भी बेचकर चला जाता है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का बनाया हुआ कुछ लोग उलमाए किराम हैं जो हमारे इस्लाम की तालीमात से उनको आगाह करते हैं और उनको सबसे ज्यादा खतरा जिस तालीम से होना था होता है उसी के ऊपर मुहर लगाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों वो उलमाए किराम हैं हमारे, इसलिए गरीमत जानो अपने इन मदरसों को, गरीमत जानो अपने उलमाए किराम को, गरीमत जाने हम अपने मुफ्तियाने किराम को, हम अपने हफाज़े किराम को, कुर्राए किराम को, जिनके सीने में कुरान हो उनको इज्जत दीजिए, जिनके सीने में बुखारी हो उनको इज्जत दीजिए। इज्जत मिली थी इमाम बुखारी को, अखीर के अंदर उनको उनको उनके ऊपर तुहमत लगाकर बाहर को निकाला गया था, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अरब ममालिक की गर्दनें झुका दे। अरब ममालिक के लोग बोलते थे कि हमारे पास कुरान नाजिल हुआ है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये कौन होता है बुखारी। लेकिन जब इमाम बुखारी की एक एक हदीस की तस्दीक की गई, एक एक हदीस के अस्माए रिजाल की रावी की जब नक्शो जिरा की गई, तो मेरे भाइयों पूरे आलम अरब के लोगों ने सर झुकाया कि कुरान करीम के बाद अगर सबसे मजबूत तरीन कोई किताब है तो उस किताब का नाम सही अल बुखारी है। किसके जरिए से अल्लाह ने उनको इज्जत दी? अरब की गर्दनें क्यों झुकी? इल्म की वजह से, तालीम की वजह से। अगर आप दोबारा अपनी इज्जत चाहते हो, अगर आप दोबारा अपनी आबरू चाहते हो, अगर दोबारा आप अपना हकूक चाहते हो, तो सबसे पहले बुनियादी तालीम धार्मिक को अपने बच्चों को दिलाइए। हर जलसे में कहता हूँ, यहाँ पर भी कहता हूँ कि बुनियादी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए और अपने बच्चों को बताइए कि बेटे अगर तुमको कोई मारता है तो भारत के संविधान ने तुम्हें इजाजत दी है, उसके हाथ को पकड़ो और तुम गवर्नमेंट से सवाल करो कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स, प्रोटेक्शन एंड पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मेरी इज्जत की रक्षा करना, मेरी जान की रक्षा करना। आप बिहार के हैं तो आप बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आपको कोई मारता है, अगर आपके दाढ़ी पर कोई इल्जाम लगाता है, अगर आपके मुसलमान पर कोई शक हो, मुसलमान होने पर शक करता है, तो आप इस धार आर्टिकल के तहत आप जाइए डीएम के पास, आप जाइए मिनिस्टर के पास, आप जाइए एमपी के पास, एमएलएस के पास और कहिए कि सर आई एम अ मुस्लिम, मैं एक मुसलमान हूं, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं एक नागरिक हूं, मेरे पास सारे प्रूफ्स मौजूद है, मुझे फला बंदा परेशान कर रहा, मुझे फला आदमी मारने की कोशिश कर रहा है, आप उसका जवाब, आप उसको डराइए, आप उसको कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप उसको सजा दीजिए। अगर बोलेगा कि नहीं जाओ जो होता हो तो उनको बताओ, पढ़कर सुनाओ, पर्सनल लिबर्टी प्रोटेक्शन योर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना, भारत के संविधान में लिखा है। डीएम साहब आपको हमारी जान की रक्षा करनी पड़ेगी, क्यों? आप हमारे सर्वेंट हैं, मेरी हिफाजत निगरानी के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, तो ये कब बोल पाएंगे हम? जब हमारे पास जानकारी हो। सिर्फ सलमान खान की कौन सी पिक्चर आ रही ये जानकारी रखोगे? भोजपुरी, वो प्याजलाल खेसारी लाल क्या नाम है उसका, हम उसके सॉन्ग पे डांस करेंगे तो मामला हल नहीं होगा? बहुत खतरनाक मंसूबे का, फैसले का शिकार हमारा भारत हो चुका है। हमें यहां पर अपने धर्म को भी बचाना है और अपने संविधान को भी बचाना है, तो ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? इक़रा पर अमल करने से होगा। इक़रा पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आप डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए, हाफिज़े कुरान भी बनिए, आलिम दीन भी बनिए। ऐसा पहले होता ऐसा नहीं कि डॉक्टर अलग, फिजिशियन अलग, मैथमेटिशियन अलग, सब एक जगह पढ़ते। मैंने अभी मिसाल दी ना, इमाम गज़ाली बहुत बड़े शेखुल हदीस गुजरे हैं भारत के, इमाम गज़ाली अल बैरूनी दोनों एक दोस्त है, दोनों एक छत के नीचे बैठते हैं, एक शेखुल हदीस बने और एक शेखुल साइंस बने, साइंस का शेख फलकिया का, 12 साल तक अपने घर के छत पर बैठकर अल बैरूनी ने सिर्फ चांद का मुताला किया था, सिर्फ सितारे का मुताला किया था, 12 साल दूरबीन से कि क्या है,
माहिर फलकियात, नबातियात, अर्ज़ियात, जुग्राफी, फलसफे के एतबार से। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मदरसे में ही पढ़ें, मदरसों में भी पढ़िए, आगे जाए। मैं हर जगह तालीम की बात करता हूँ, यही एक हथियार है नौजवानों, यही एक हथियार है जिसको अपना कर आप जालिम का मुकाबला कर सकते हैं, वरना कोई तलवार तीर से जालिम का मुकाबला नहीं किया जाता। चाइना पूरी दुनिया से मुकाबला कर रही है, न कैसे 75% आयात वहां से होते हैं। ये देखिए कितना ओप्पो है, वीवो है, सैमसंग है, पता नहीं कितने सारे मोबाइल्स, ये टोटल की टोटल, एंड दीज आर प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द चाइनीज कंपनीज, सबके सब वहीं से आए, इतने सारे। ये देखिए यहां पर कैमरा है, माइक है, सब कहां से आए, ये सबके सब आए चाइना से। उन्होंने तीर तलवार से कम मुकाबला करते हैं, वो गुलाम बना देते हैं किसका, इन चीजों को। अब बिना ओप्पो का तो हमारा बच्चा सो नहीं पाएगा, बिना मोबाइल देखे फेसबुक चलाए वे नींद आएगी नहीं। बहुत सा बच्चा मुंह में पुड़िया डाले, हमारे नौजवान काम में नींद लगाए सो जाते, अब पता नहीं नींद में भी डांस वांस करते होंगे, ऐसा हमारे नौजवानों की हालत हो गई। लेकिन नहीं, बेहतर आदत बता देता हूं, आप जहां सोते हैं वहां पर एक किताब रखिए, छोटी सी कुरान करीम की तफसीर की कोई किताब रख लीजिए, अहादीस मुबारका की कोई रख लीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पढ़ेंगे आप, पढ़ने में वो लज्जत है कि 10-15 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाए। हमको नींद नहीं आती है तो हम कुछ पढ़ते हैं, खुद ब खुद नींद आ जाती है। आज हम जब वो प्रोग्राम करके पहुंचे तो पहुंचने के बाद हमको नींद नहीं आ रही थी, तो हमने निकाला, हमने यही इतिहास के ऊपर हमने किताब निकाली, अमेरिका तारीख की नजर में उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से आधा या पूरा पेज भी नहीं पढ़ा होगा, हमको नींद आ रहा, पूरे 2.5 घंटा अल्हम्दुलिल्लाह। मुताले की आदत डाले मेरे नौजवानों, इन ओपो सोपो की मत डालो।